नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब SSC CGL रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाइए। हम रेगुलर वीडियो लाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रीवियस आए हुए हैं क्वेश्चन दोस्तों, इससे आगे भी आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, लास्ट में बीच में छोड़ के मत जाइएगा। चलो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक कौन है। आपको एक क्वेश्चन को जवाब देने के लिए 3 सेकंड मिलेगा दोस्तों, आप जवाब दीजिएगा। अपनी कॉपी में चेक कर सकते हैं आप इसमें कितना सही करते हैं, उससे पता चलेगा आपका फिजिक्स का कितना तैयारी है दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक हैं न्यूटन। इसका आविष्कारक कौन है? न्यूटन दोस्तों। अब गुरुत्वीय जी का मान क्या होता है? जी का जो मान होता है, गुरुत्वीय तरंग का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है न्यूटन का। वैसे कोई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसके बाद पूछता है आपको जी का जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है, जी का मान, कैपिटल जी का मान जो होता है वो कितना होता है? वो होता है आपको दोस्तों 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg². ये सब दोस्तों एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूरी को मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी को मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है? देखिए दोस्तों, हम 2 बार क्वेश्चन पर आते हैं ताकि आपको याद हो जाए, कि ताकि आपको दूसरी बार याद नहीं करना पड़े। इसका आंसर है दोस्तों, आपको 3 सेकंड मिलते हैं, आप कॉपी पर टिक लगा लीजिए। इसका आंसर है पार्सेक दोस्तों। पार्सेक जो है दूरी को मापने का इकाई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाशिक जो कहता है प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 × 10⁻¹⁰ मीटर। ये मीटर में दिया गया। अगर दोस्तों आपको किलोमीटर में पूछ दिया जाए, इसमें से 3 जैसे 15 है ना, इसमें से 2 हटा दीजिए, 10⁻¹⁵ को कर दीजिए, 9.46 × 10⁻¹२, ये आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? आपको इसको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आर्द्रता को मापने के लिए। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, घड़ी की चाबी कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? ये दोस्तों 2 बार 3 बार क्वेश्चन ये पूछ से पूछा गया है, हर एग्जाम में आता है, इसलिए इसको आपको याद रखिएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों, आपने टिक लगा लिया होगा, सही आंसर है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में जो संचित रहती है वो है स्थितिज ऊर्जा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होता है? आपको इसमें ऑप्शन देख के बताना है दोस्तों, पानी लोहा हवा पारा, किसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होता? इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर दोस्तों, हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होता है। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ, याद करते चलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, पनडुब्बी किस सिद्धांत या नियम पर आधारित है? इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों, ये इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर दोस्तों, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा? पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर पर आते हैं दोस्तों, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्यों? आपको ऑप्शन में से बताना है दोस्तों, ये भी पूछा गया, रेलवे का क्वेश्चन है दोस्तों, SSC रेलवे का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठाए हैं, इससे आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथी होती है, चौथाई होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों आधी होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदेशक लेंस कौन सा होता है? आपको बताना है दोस्तों, इसका होता है उत्तल दर्पण दोस्तों, उत्तल लेंस होता है दोस्तों, दर्पण ही उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरे का लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? अगर आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, तो यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। ट्रांसफार्मर जो है चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 12वां नंबर, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ये आप तो सोलर सेल सुने होंगे दोस्तों, सोलर सेल
उसको देखो हम लोग धूप में रखते हैं, वो ऊर्जा को कलेक्ट करता है, फिर हम उसे लाइट बल्ब जलाते हैं तो सौर सेल होगा। इसका आंसर सौर सेल होगा, विद्युत प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकाश केंद्र का दबाव कितना होता है, केंद्र का दबाव जो होता है कितना होता है आपको बताना है। इसका दबाव जो होता है 2.2 × 10⁻⁶ न्यूटन होता है, न्यूटन पर मीटर वर्ग मीटर। इसे आप क्वेश्चन याद कीजिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इससे आगे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये इसका आंसर अगर आपने चुना है तो इसका आंसर सही आंसर है इस्पात में दोस्तों, इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, ध्वनि का वेग कान में कितने सेकंड तक कितने देर तक रहता है। इसका सही आंसर दोस्तों 1/10 सेकंड तक। ध्वनि में किसी भी कान में वेग जाता है ना तो वह होता है 1/10 सेकंड तक रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, ये पूछा बार बार पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए इसको याद कर लीजिए। 11.2 × 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 11.2 × 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद दोस्तों इससे की और पूछते हैं, सौरमंडल के लिए पलायन वेग कितना होता है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड, और चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए पृथ्वी से कोई भी सामान अगर 11.2 किलोमीटर की दर से फेंकें तो वह पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, ये होता है आपको काल्पनिक और सीधा, सी नंबर ऑप्शन दोस्तों काल्पनिक और सीधा। अब इसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मोटरसाइकिल के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी आंसर होगा दोस्तों उत्तल दर्पण का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर, E = mc² को प्रतिपादित किसने किया है, किसने बताया है, ये भी इसका सही आंसर है दोस्तों आइंस्टीन ने बताया है। यहाँ पर ये क्या हो गया, एनर्जी हो गया, एम क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, सी क्या हो गया, प्रकाश का वेग हो गया। इसलिए कभी पूछ सकता है अब E = mc² तो एम क्या होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अगर आपने पढ़ा है तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, ए नंबर ऑप्शन दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों 20 नंबर, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर मारा होगा एडिसन ने, सी नंबर एडिसन ने। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, देखिए ये रेगुलर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका सही आंसर है दोस्तों आयतन घटता है, आप लोग मारते होंगे आयतन बढ़ता है, आयतन घटता नहीं घटता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों रेलवे SSC दोनों में, कि 4 डिग्री पर जल का क्वथन घनत्व सबसे अधिक होता है, और उसका 4 डिग्री पर क्या होता है, आयतन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या कम होता है, इसका क्या होगा, कम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए दोस्तों उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, क्या होता है, ज्वलन ताप बहुत कम होता है, और वह ज्वला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, एक परिभाषा है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं बताइए, उसको खतरनाक बोलते हैं, जोखिम बोलते हैं, आदाह बोलते हैं, ज्वलनशील लेते हैं। इससे अगर आपने परिभाषा पढ़ा होगा तो इसका डायरेक्ट आंसर मान सकते हैं ज्वलनशील बोलते हैं दोस्तों, ज्वलनशील कोई भी पदार्थ। अब मान चलते इससे और हम रिलेटेड जो बनता है और इससे क्वेश्चन पूछता है वो हम बता देते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। कभी पूछ दिया आपको ज्वलन ताप क्या है, तो ज्वलन ताप के लिए आप बोल सकते हैं वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जिस पदार्थ पर ज्वलन बहुत कम होता है और ज्वला उसके साथ बहुत आग उसके साथ बहुत जल्दी पकड़ लेता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे ज्वलनशील पदार्थ में आपको पता देगा कि क्या क्या एग्जाम्पल होता है, पेट्रोल होता है, गैस होता है, अल्कोहल होता है, ये सब ज्वलनशील पदार्थ हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं, अगर आपने प्रकाश का परावर्तन के नियम पढ़े होंगे तो इससे ये क्वेश्चन है दोस्तों, डैश और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसमें आपको बताना पहला क्या होगा उस डैश में जो भरा गया है। अगर आप प्रकाश के परावर्तन के नियम को दो नियमों को पढ़ें तो इसका सही आंसर मारिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर, परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का दो नियम कौन कौन सा होगा आपको बताते हैं,
प्रकाश का दो नियम है, पहला जो आपने आपतित किया आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तित एक ही तल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? ये दोस्तों अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछ सकता है दोस्तों, और एक बार पूछा हो गया था 2-3 साल पहले। इसका सही आंसर दोस्तों उत्तल और अवतल दर्पण जो है गोलीय दर्पण का उदाहरण है। जैसे गोलीय दर्पण को हम लोग काटेंगे तो वो दो भागों में बढ़ता है, एक इधर तो एक उत्तल दर्पण हो जाता है, एक अवतल दर्पण हो जाता है। तो वही तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, इस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण इसका परावर्तक अंतर की तरफ होता है और दबा हुआ होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब डैश होते हैं। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका देखिए, अब समतल द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब डैश होते हैं, आपको ऑप्शन में से बताना है दोस्तों, लंबवत होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब परिवर्तन होते हैं, या बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर है दोस्तों, अगर आपने चुना होगा, पार्श्व परिवर्तन होता है। अब कैसे होता है देखो, समतल दर्पण में कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब बनता है आपको सीधा बनता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, समान आकार का होता है, और अवास्तविक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? देखिए इसका ये जो है उदाहरण है भौतिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन वही से परिवर्तन आ जाते हैं जो इसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्रिस्टलीकरण में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन ये कहलाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इसको जो कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है दोस्तों। देखिए दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के आगे पर्दे पर बनता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। केवल अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सकता है। जैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 78 रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 10 सेकेंड तक बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आँख से रिलेटेड है। इसका सही आंसर है दोस्तों 1/16। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का प्रभाव कितनी देर तक रहता है? 1/16 सेकंड तक। और देखिए रेटिना आँख के अंदर का एक प्रकाश संवेदनशील उत्तक पट होता है। ये पटल लगभग एक फिल्म कैमरे की भांति कार्य करती है। इस पर बना प्रतिबिंब लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है और तुरंत हट जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, 29 संपर्क बल को डैश बल भी कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों, एक संपर्क बल जो होता है उसको कौन सा बल भी कहा जाता है? उसको बल कहा जाता है पेशीय बल दोस्तों, उसको कहा जाता है पेशीय बल। देखिए पेशीय बल को पेशीय तंत्र भी कहते हैं दोस्तों। मस्कुलर सिस्टम में पेशीय के संकुचन में संपर्क बल की भूमिका निभाते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, पेशीय बल को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे चलिए दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। दो पेस्ट के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि, क्या होगा इसमें से आपको ऑप्शन देख के बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों B ऑप्शन, दोनों पेस्टों को बल पूर्वक दबाया जाए तो उसके बीच घर्षण बल बढ़ता है। जब कोई भी दो बल है तो उसके बीच हम लोग घर्षण का बढ़ता है, जब दोनों बल को घर्षण पूर्वक दबाया जाता है। चलिए अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन बता, घर्षण क्या है? घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है, और घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच घर्षण अभिलंब पर निर्भर करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो सेकेंड पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।